as a potential contestant, you know, there are so many, there are ladkiyan bahut zyada hain, bahut zyada hain. To aapko kya lagta hai, aur jab hum tamboli ki baat karte hain, wo shuru se scene create karti aayi hain. यार मुझे तंबोली बहुत पसंद है. आई थिंक उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं किसी से दोस्ती करने नहीं आई हूँ. और करेक्ट बात है, अभी उनकी कोई गहरी दोस्ती तो हुई नहीं जिनके लिए वो सैक्रिफाइस करें कुछ करें. तो मुझे तंबोली का एटीट्यूड पसंद है. ये भी लगता है कि वो इतना बिग बॉस देखकर आई हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं. वो उन्हें पता है कि मैं नेल्स पे यू नो आती थोड़ा राड़ा कर दूँ तो मज़ा आ जाएगा, मैं अपने कपड़े नहीं दूंगी तो आई विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. वो बिग बॉस और ये रियलिटी शोज़ को पी के आई हैं और वो दिखाई दे रहा है, विच इज़ वर्किंग इन हर फेवर बिकॉज यू नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट हर. तो उन्होंने सीखा है और करेक्ट तरीके से वो खेल रही हैं. और मुझे जैस्मिन ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज मुझे लगता है जैस्मिन का एडवांटेज ये है कि वाकई में बहुत नाइव है, उनको भी गेम पता है लेकिन वो नाइव हैं, तो कभी कभी रो देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं, तो उनमें शेड्स, रियल शेड्स ज़्यादा दिख रहे हैं. तो आई एम लाइकिंग जैस्मिन. एंड निशांत मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और मुझे बहुत होप है कि वो जो थोड़ा सा दबे हुए हैं वो खुलें और बात करें, क्योंकि ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. और मैं उन्हें जानती हूँ कि अगर लड़की के साथ या किसी के साथ गलत होगा तो वो कूद जाएंगे, मतलब वो फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे. लेकिन आई थिंक सीनियर्स की वजह से वो एक रिस्पेक्ट फैक्टर, उनमें थोड़े एटिकेट्स हैं, प्रॉब्लम है, तो वो रुके हुए हैं, वो बंधे हुए हैं. तो आई एम रियली होपिंग दैट ही ओपन्स अप एंड यू नो सबकी बैंड बजा दे वहाँ पे. सो आई एम रियली होपिंग दैट निशान डज टेक्स हिज लेवल अप इन द गेम. कहीं हल्का सा कोल्ड वॉर भी चल रहा है जब मैं सीनियर्स की बात करता हूँ, मीना की बात करता हूँ, सिद्धार्थ की बात करता हूँ, गौहर की बात करता हूँ. कहा यह जा रहा है कि सिद्धार्थ और हीरा एक टीम है, गौहर अलग है. जिस तरह से आई होप यू हैव सीन द लास्ट एपिसोड, नो फ्राइडे एपिसोड, यस, सो जिस तरह से उनका खास करके साइलेंटली उस चाटे का मजाक उड़ाना जो गौहर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, या देखो उस घर में क्या होता है, आपको कोई चीज़ चुभती है आप उसका रिटेलिएट करते हो, फिर आप कुछ कहते हो वो रिटेलिएट करते हैं. तो मैं एग्जांपल पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि क्योंकि ये लोग जीतने नहीं आए हैं, देयर एजेंडा इज़ नॉट टू प्ले फेयर, यू नो. सो वो लोग अपने ओपिनियंस बड़े स्ट्रांगली रख रहे हैं, उनको कोई लेना ना देना, दे आर देयर ओनली टू अप समबडीज़ गेम. जब आपके स्टेक्स हाई नहीं होते, आई थिंक यू टेक इट टू ईजी. तो उनको वो लोग आए एक्चुअली तो मेंटोर के तरीके, तो उनको एक दूसरे से भिड़ने से बेटर है कि यू नो जिस काम के लिए आए हैं वो करें. लेकिन गौहर, हीना और सिद्धार्थ एज मेंटोर्स आए भी इसलिए क्योंकि तीनों ही बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं, और तीनों को वहाँ रखना आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल, ये होने ही वाला है. यू नो गौहर इज़ गोइंग टू से समथिंग फॉर सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ ही इज़ गोइंग टू रिटेलिएट, तो ये तो होने ही वाला है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल.